वीनस काव्य मंथन में प्रस्तुत है हुल्लड़ का हुल्लड़, अर्थात हुल्लड़ मुरादाबादी की हास्य कविताओं का हंगामा। तो आ रहे हैं मुरादाबाद से शुरू होकर देश विदेश में अपनी हास्य कविताओं का परचम लहराने वाले हिंदुस्तान के महान हास्य और व्यंगकार हुल्लड़ मुरादाबादी। इस नई शताब्दी के नए साल में हुल्लड़ जी आपका स्वागत है। सन 2000 में एक संस्था ने मेरा सम्मान किया और वहाँ के कुछ लोगों ने एक सवाल मुझसे किया कि ये 2000 में हम बचत कैसे करें, बचत योजना पर अपनी दो पंक्तियाँ सुनाइए। तो मैंने उनको एक मंत्र बताया है, आप भी सुने। यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, साल आया है नया, नाई के पैसे बचा ले, साल आया है नया। और चाहता है तू हसीनों से अगर नजदीकियां, चाट का ठेला लगा ले, साल आया है नया, पर है जिगर में आग तेरे और है दिल में धुआं, रोज हुक्का गुड़गुड़ा ले, साल आया है नया, रोज हुक्का गुड़गुड़ा ले, साल आया है नया, और जो पुरानी चप्पलें हैं मंदिरों के पास रख, कुछ नए जूते चुरा ले, साल आया है नया, और लोग चारे से तरक्की कर रहे हैं आजकल, तू जरा सी घास खा ले, साल आया है नया, लोग चारे से तरक्की कर रहे हैं देश में, तू जरा सी घास खा ले, साल आया है नया। और जुहू चौपाटी पर एक आदमी भीख मांग रहा था तो मैंने उसे अठन्नी दी, तब क्या हुआ दो पंक्तियों में, मैं अठन्नी दे रहा था तब भिखारी ने कहा, तू यही चादर बिछा ले, साल आया है नया, तू यही चादर बिछा ले, साल आया है नया। और आपसे कहना चाहता हूं कि भूल जा शिकवे शिकायत जख्म पिछले साल के, साथ मेरे मुस्कुरा ले, साल आया है नया, साथ मेरे मुस्कुरा ले, साल आया है नया। और नैनीताल के कवि सम्मेलन में एक मित्र ने मुझसे कहा कि दो महीने बर्फ गिरने के बहाने चल गए, आज तो हुल्लड़ नहा ले। अब मैं चार पंक्तियां सन 2000 पर सुना रहा हूं कि नए, ये भविष्यवाणी है मेरी, मैंने तीन पंक्तियों में भविष्यवाणी की और देखिए क्या हुआ चौथी पंक्ति में, कि नए वर्ष में बिजली पानी 24 घंटे आएंगे, नए वर्ष में बिजली पानी 24 घंटे आएंगे, जितने टेलीफोन डेड हैं सब जिंदा हो जाएंगे, 2000 में आप गरीबी 9-2-11 पाएंगे, पब्लिक बोली कविता पढ़िए कब तक गप सुनाए। एक हमारे मित्र हैं बड़े ही विचित्र हैं, नाम है बनवारी, 45 साल के हो गए पर अब तक हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी। एक दिन हमने उनसे कहा, गुरु सिंगल से डबल हो जाओ, इधर उधर घास चरते फिरते हो, एक खूंटे से बन जाओ। मित्र बोला, शादी की बात मत करना, शादी से मुझे नफरत है, 20 साल पहले एक लड़की देखने गया था, लड़की ने देखते ही मुझे नापसंद कर दिया, उस दिन से ऐसा सदमा पहुंचा कि मैंने शादी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। मैंने कहा, बनवारी लाल झक्की, इस बार तुम्हारी शादी हमने कर दी है पक्की, लड़की वालों ने हाँ कह दी है। अगले दिन हम बनवारी को लेकर लड़की वालों के घर गए, सोफे पे बैठ गए बनवारी, लड़की की माँ ट्रे में चाय लेकर पधारी, बनवारी को देखते ही उसके छक्के छूट गए, ट्रे नीचे गिर पड़ी, प्याले व्याले सब टूट गए, बेचारी का सर चकराया, और इधर बनवारी के माथे पर भी पसीना आया, वो मुझसे बोला, हुल्लड़ ये तो मुझे कहाँ ले आया। लड़की की माँ की जब बेहोशी टूटी तो मुझे अलग ले जाकर बोली, भाई साहब अब आपसे क्या छुपाना, मेरा सर तो इसलिए चकराया था क्योंकि ये तो मुआ वही है, ये तो मुआ वही है जो 20 साल पहले मुझे देखने आया था।
आज का ज़माना ये आ गया है कि आप सिनेमा देखने जाइए तो टिकट के लिए क्यू में खड़े होना पड़ता है, रेल के लिए टिकट आरक्षण कराने जाइए तो क्यू में खड़ा होना पड़ता है। तो मुझको ऐसा लगा कि आधुनिक युग कलयुग नहीं क्यू का युग है। जहाँ जाइए वहाँ क्यू, पानी लाइए वहाँ क्यू, नल पर नहाइए वहाँ क्यू, राशन लेना है क्यू में आइए, भाषण देना है क्यू में आइए, रोजगार दफ्तर में जीवित मुर्दों के लिए क्यू, शमशान में सर्टिफाइड मुर्दों के लिए क्यों। एक दिन किसी बात पर, दिली जज्बात पर पत्नी से हो गया झगड़ा, वो भी मामूली नहीं तगड़ा, हम भी आ गए ताव में, चल दिए आत्महत्या करने, कुतुब मीनार से कूदकर मरने, मीनार पर चढ़ने के लिए क्यों में लगे। कूदने को पांव ही बढ़ाया था, शरीर को जरा झुकाया था कि किसी ने टांगे खींच कर कहा लाइन में आइए, लाइन में आइए, पहले मेरा नंबर है। 2 अक्टूबर से खड़ा हूं और आज 14 नवंबर है। ये जो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसका शीर्षक है गरीब दास के चार बेटे। गरीब दास जी ने मुझे चाय पर बुलाया, अपने चारों बेटों से मेरा परिचय करवाया। ये मेरा बड़ा लड़का है, MBBS पास है, नाम इसका हर्ष है लेकिन रहता उदास है, नाम इसका हर्ष है लेकिन रहता उदास है। ये जो सामने टूटी खाट पर लेटा है मेरा दूसरा बेटा है, लंदन से आया है, इंजीनियरिंग की डिग्री लाया है। तीसरा जो नल से पानी भर रहा है हिंदी में MA कर चुका है, PhD कर रहा है। चौथे का दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा हाई है, पढ़ लिख नहीं पाया इसलिए नाई है, हेयर कटिंग सैलून चलाता है, अच्छे अच्छों की हजामत बनाता है। मैंने कहा गरीब जी परिवार की रेपुटेशन संभालिए, इस नाई को घर से निकालिए, आपने 3 लड़कों को तो खूब पढ़ाया पर ये मखमल में टाट का पैबंद कहाँ से आया, मखमल में टाट का पैबंद कहाँ से आया। वो बोले निकाल तो दूं पर आजकल ये अपने बहुत काम आ रहा है, बाकी सब तो बेरोजगार है, घर का खर्चा ये ही तो चला रहा है। यह एक बार की बात है, मैं धनबाद कवि सम्मेलन में जा रहा था तो मुरादाबाद से सीधी गाड़ी सियालदह एक्सप्रेस चलती है, मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे और वो एक ही लाइन बार बार गुनगुना रहे थे, बड़ा उदास सफ़र है हमारे साथ रहो, बड़ा उदास सफ़र है हमारे साथ रहो, बड़ा उदास सफ़र है हमारे साथ रहो। मैंने कहा गुरु बिना टिकट हो क्या? बोले यार हूँ तो बिना टिकट ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने गाने ही ऐसे गा रहे हो यार, बड़ा उदास सफ़र है। उदास सफ़र तो उसी का होता है जिसके बाद टिकट नहीं हो। तो बोले यार यार पहचान लिए आपने, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा मैं धनबाद जा रहा हूँ। तो बातचीत ऐसे शुरू हुई, मैंने कहा यार धनबाद तक तुम कैसे एडजस्ट करोगे यार बिना टिकट के? बोले TT दाई ओर से आएगा तो मैं बाई ओर के गुसलखाने में घुस जाऊंगा, बाई ओर से आएगा तो मैं दाई ओर के गुसलखाने में घुस जाऊंगा। मैंने कहा ये तो ठीक है लेकिन धनबाद स्टेशन पे कैसे उतरोगे? बोले ये वेरी सिंपल, मेरा एक बिहारी चेला है, मैंने उसे चिट्ठी लिख दी है, टेलीग्राम कर दिया है, वो 2 प्लेटफार्म टिकट लेके आएगा, एक से मैं बाहर दूसरे से वो बाहर। मैंने कहा ये जो आपकी अटैची है, बैग है, पानी की बॉटल है, ये सामान बाहर कैसे जाएंगे? बोले हुल्लड़ जी आपके पास तो टिकट है ना, आप किस दिन काम में आएंगे? आप किस दिन काम में आएंगे? एक बच्चा बहुत गरीब था, बचपन से ही बदनसीब था, झूठी रोटियां और सच्ची गालियां खाता था, फीस न दे सकने के कारण स्कूल नहीं जा पाता था। एक दिन बहुत दुखी होकर उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा, पूजनीय विष्णु भगवान, क्षीर सागर, बैकुंठ धाम, सादर प्रणाम। ये उनका पोस्टल एड्रेस है, आप भी नोट कर सकते हैं, पूजनीय विष्णु भगवान, क्षीर सागर, बैकुंठ धाम, सादर प्रणाम, लक्ष्मी जी को चरण वंदन, जब से धरती पे आया हूँ कर रहा हूँ क्रंदन।
बहुत बुरा हाल है, केवल 75 रुपए का सवाल है, मनी ऑर्डर से भिजवा दें, एक महीने के लिए ही मेरी गरीबी हटा दें। वो पत्र जब छटनी के लिए बड़े डाकघर में आया तो उसमें भगवान का पता देखकर डाक कर्मचारियों का दिमाग चकरा गया। अब इसे कहाँ भेजा जाए। करुणा से उनके नेत्र भर भर आए और उन्होंने आपस में चंदा करके लड़के के पते पर 60 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा भिजवाए। 4 दिन के बाद लड़के का एक और पत्र मिला, उसे पढ़कर कर्मचारियों का कलेजा हिला। लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आप तो हैं करुणा निधान, पर ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं बहुत बेईमान, आपने तो 75 ही भेजे होंगे, 15 रुपए ये खा गए, बाकी के 60 मुझ तक आ गए, नोट प्रभु आइंदा ड्राफ्ट भेजना। जोक सुनो भाई जोक, धीरे से कुछ कान में बोले पूरन लाल, 9 बच्चों ने हर लिए सर के सारे बाल, सर के सारे बाल आप तरकीब बताएं, और नहीं ये बच्चे जिससे बढ़ने पाए, मैंने उनसे कहा जन्म पर रोक लगा लो, पूरन जी तुम पत्नी से राखी बंधवा लो। जोक सुनो भाई जोक, जोक सुनो भाई जोक, दूल्हा जब घोड़ी चढ़ा बोले राम दयाल, हुल्लड़ जी बतलाइए मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल गधे पर नहीं बिठाते, दूल्हे राजा घोड़ी पर क्यों सज कर जाते, कह हुल्लड़ कविराए ब्याह की रीत मिटा दे, एक गधे को गधे दूसरे पर बिठला दे। जोक सुनो भाई जोक, जोक सुनो भाई जोक, मंडप में कहने लगी मुझसे मिस दस्तूर, लड़की की ही मांग में क्यों भरते सिंदूर, क्यों भरते सिंदूर, आदमी बच जाते हैं, ये भी अपनी मांग क्यों नहीं भरवाते हैं, कह हुल्लड़ यदि सभी आदमी मांग भराते, दुनिया भर के गंजे सब कुआरे रह जाते। जोक सुनो भाई जोक, जोक सुनो भाई जोक, समय विदा का आ गया दुल्हन चली ससुराल, रोती सखी सहेलियां बहुत बुरा था हाल, बहुत बुरा था हाल, बहन नाजों से पाली, दुख मत देना इसे कहे जीजा से साली, तो जीजा बोला क्यों रोती हो मेरी साली प्यारी, जैसी बहन तुम्हारी है ये वैसी बहन हमारी। जोक सुनो भाई जोक, अंतिम है, एक बांगड़ू को दिखी बिस्कुट की दुकान, सोचा कुत्ते के लिए ले ले कुछ सामान, ले ले कुछ सामान, अरे ओ बिस्कुट दाता, मिल जाएंगे बिस्कुट जिनको कुत्ता खाता, विक्रेता ने कहा क्यों नहीं मिल जाएंगे, यहीं खाएंगे आप या घर ले जाएंगे। हमारे मित्र हैं, नाम है सबरस, दुमदार दोहे लिखते हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई गुरु ये दुमदार दोहे मैं कुछ समझा नहीं, दोहे तो अपने ये दास फैमिली ने भी बहुत लिखे। वो बोला दास फैमिली, मैंने कहा सूरदास कबीरदास तुलसीदास, पर किसी ने भी दुम नहीं लगाई। बोले यार कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए आदमी, इसलिए मैंने दुम लगा दी। मैंने कहा लेकिन ये दुम होती क्या है। बोले देखो भारतवर्ष में जो भी आदमी मरता है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, कैसे से कैसा कंडम आदमी मर जाए, नाम के आगे नरकीय कभी नहीं लगता, इसलिए कई लोग विदेशों से यहाँ मरने आते हैं, चलो भारत में कम से कम मर के स्वर्गीय तो कहलाएं। मैंने कहा दोहे में कहिए। तो सबरस जी ने दोहा पढ़ा, भारत में जो भी मरे वही स्वर्ग को जाए,
पता नहीं ये नर्क क्यों विधि ने दिया बनाए, वहां क्या भैंस बंधेगी, वहां क्या भैंस बंधेगी। बोले ये है तुम, वहां क्या भैंस बंधेगी। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप इसका जवाब दीजिए, तो मैंने सबरस जी को जवाब दिया, नर्क न कोई जा रहा, करूं मैं कौन उपाय, सबरस जी है प्रार्थना, आप स्वयं ही जाए, पिताजी वहीं मिलेंगे, पिताजी वहीं मिलेंगे। वो मेरे उत्तर से थोड़ा दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैं दूसरा दोहा पढ़ता हूँ कि सास बहू में छिड़ गई, लड़ते बीती रात, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, खटोला यहीं बिछेगा, खटोला यहीं बिछेगा, खटोला यहीं बिछेगा। तो मैंने उत्तर दिया कि सबरस जी जब हो गए सम्मेलन में हूट, संचालक ने यूं कहा कर दो इनको शूट, खटोला खुद भी छिलेगा, खटोला खुद भी छिलेगा। उन्होंने एक दोहा और पढ़ा, कहने लगे साहब ये दिवाली के दिन लोग अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं, लेकिन मैं उस दिन दरवाजे बंद रखता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों। बोले दोहे में सुनिए कि दिवाली पर द्वार सब रखिए बंद कराए, कहीं लक्ष्मी की जगह लक्ष्मी चंद घुस जाए, उम्र रोते बीतेगी, उम्र रोते बीतेगी। तो मैंने उत्तर दिया कि कान खोल कर सुनो तुम, कर लो आंखें बंद, सबरस जी का नाम है मिस्टर लक्ष्मी चंद, घर में यही घुसेगा, घर में यही घुसेगा। अब उन्होंने कहा कि एक दोहा मैं और पढ़ता हूँ, इसका उत्तर दो तो जाने। मैंने कहा पढ़िए, तो वो बोले पूंजीपतियों पत्नियों ले लो मुझको गोद, और मुझको भी हो जाएगा लक्ष्मी जी का बोध, तिजोरी में रह लूंगा, तिजोरी में रह लूंगा। तो मैंने उत्तर दिया कि पूंजीपतियों पत्नियों लो मत इसको गोद, इसको जब हो जाएगा लक्ष्मी जी का बोध, तिजोरी ले भागेगा, तिजोरी ले भागेगा। और एक बड़े मजे का उन्होंने दोहा पढ़ा कि ईश्वर से भक्त क्या कह रहा है, कहे ईश्वर भक्त से तू क्या भजता मोए, थोड़े दिन में लाडले पास बुला लूं तोए, भजन मैं खुद कर लूंगा, भजन मैं खुद कर लूंगा। तो मैंने उत्तर दिया कि मर जाऊंगा नाथ में बीमा तो हो जाए, कम से कम 2 लाख तो पत्नी को मिल जाए, कि मिलकर भजन करेंगे, मिलकर भजन करेंगे। आपने ये देखा कि जितने अवतार पैदा हुए ये सब राजाओं के यहाँ पैदा हुए। इस पर हमारे सबरस जी ने दोहा पढ़ा कि राजाओं के घर उगे सबके सब अवतार, कलयुग में किसके यहाँ जन्मे वो साकार, विष्णु जी बहुत दुखी हैं, विष्णु जी बहुत दुखी हैं। मैंने उत्तर दिया श्री विष्णु भगवान जी दुखी हुए बेकार, पूंजीपतियों के यहाँ ले लेते अवतार, लक्ष्मी भी मिल जाती, लक्ष्मी भी मिल जाती। तो ये दोहे सवाल जवाब हमारे चल रहे थे कभी सम्मेलन में, तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे साहब ये तो मिली जुली कुश्ती मालूम पड़ती है, ये आपको सवाल याद है, उनको जवाब याद है, और वो सब चल रहा है, हाथ के हाथ मेरे सवाल का जवाब दें तब मैं मानूं। मैंने कहा आप कौन। बोले मुझे पोपट पानीपति कहते हैं, पोपट पानीपति। मैंने कहा आपका दोहा क्या है। बोले मेरे 3 दोहे हैं। मैंने कहा कहिए। तो वो कहते हैं जब से उन पर मर मिटे
तबीयत है कुछ सैड, हम तो जीवित बच गए, फोन हो गया डैड। फोन को किसने मारा, फोन को किसने मारा। तो मैंने उत्तर दिया कि सारे नंबर नोट हैं, यम तो रोज डराए, ना जाने किस फोन की कब घंटी बज जाए। काल का खेल है सारा, काल का खेल है सारा। तो उन्होंने दूसरा दोहा पढ़ा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। अभी दूसरा, दूसरे के नाम का दोहा अपने नाम से पढ़ दिया। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, कि दोहा बहुत पुराना कि इसका उत्तर दो ना। तो मैंने उत्तर दिया कि जिसके सर पर ईश्वर वो गंजा ना हो, जिसके सर पर ईश्वर वो गंजा ना हो, बाल न बाका कर सके जो जग नाई हो। इस तरह क्या कर लेगा कि हुल्लड़ राज करेगा, उस तरह क्या कर लेगा। अंत में उन्होंने कहा कि साहब एक दोहा मेरा और है। सबरस जी ने कहा कि एक मेरा भी दोहा है। मैंने कहा पहले मैं इन्हें पानीपति को निपटा लूं, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो गरीबी है देश में, इसकी जड़ नारी है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले नारी ना होती तो बच्चे ना होते, और बच्चे ना होते तो गरीबी कहाँ से आती। मैंने कहा दोहे में कहिए। तो बोले कि नारी अगर होती नहीं मिटते सभी कलेश, और बच्चों की इस बाढ़ से बच जाता ये देश। गरीबी कभी न होती, गरीबी कभी न होती। तो मैंने उत्तर दिया कि नारी अगर होती नहीं कैसे आते आप, ये बतलाओ किस तरह जन्मे तेरे बाप। गगन से टपके थे क्या, गगन से टपके थे क्या। अब मैंने सब दोहों के जवाब दे दिए कि ईमानदारी से कहता हूं, सबरस जी ने अंत में जो दोहा पढ़ा उसका उत्तर मुझसे नहीं दिया गया। उन्होंने ये कहा कि साहब ईश्वर एक है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है, लेकिन ये एक के ही अनेकों नाम हैं। इस पर मैं दोहा पढ़ता हूँ। उन्होंने दोहा पढ़ दिया कि मानव तो अरबों पड़े भजमन हरि का ध्यान, और कहीं भजन की भूख से मर जाए भगवान। बेचारा इकलौता है, बेचारा इकलौता है। मुझसे उत्तर नहीं दिया गया। मैं स्टेज से उठ के पब्लिक में बैठ गया। 15 मिनट के बाद माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला। तब मैंने उत्तर दिया कि जब रोटी की भूख से नहीं मरा इंसान, फिर कैसे मर जाएगा बिना भजन भगवान। भजन का टेप सुनेगा, भजन का टेप सुनेगा, भजन का टेप। एक दिन हमारी श्रीमती को बैठे बिठाए अंग्रेजी सीखने का शौक चढ़ाया। उन्होंने हमें बुलाया, बोले सुनते हो हमें एक मास्टरनी लगवा दो, हमें भी अंग्रेजी में गिट पिट करना सिखा दो। थोड़े दिनों के बाद एक खूबसूरत मिस उनको पढ़ाने लगी, उनसे ज़्यादा हमें भाने लगी। अंग्रेजी सीखने के पहले ही दिन हमसे बोली, सुनते हो शर्मा जी का ट्रांसफार्मर हो गया, विदाई दे आओ। हमने कहा गलत अंग्रेजी बोलकर हमारा दिमाग मत खाओ। दूसरे दिन बोली, क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री सुनी, ये इंडिया वाले एक इवनिंग से हारेंगे। तीसरे दिन उनकी मिस ने पूछा, अंग्रेजी के सेंटेंस लिख लिए? पत्नी बोली, वो तो सुबह ही लिख लिए थे, अब आप करप्शन कर लीजिए। चौथे दिन उनकी सहेली का टेलीफोन आया, हमारी श्रीमती ने उठाया, सहेली ने पूछा, सुना है तुम्हारे पड़ोस में गुप्ता जी गुजर गए? पत्नी बोली, अजीब सस्पेंस हो गया, सुबह तक तो सेंस में था, शाम को नॉनसेंस हो गया, शाम को नॉनसेंस हो गया। पांचवें दिन सुबह ही सुबह बोली,
ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? मैंने कहा दिया सलाई ले आओ, सिगरेट पीऊंगा। बोले कुछ तो सीखो 88, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। घर में डाउन ड्रिंक सिगरेट, घर में डाउन ड्रिंक सिगरेट। शाम को जब मैं लौट कर आया तो कंबल ओवड़े पड़ी थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स। छठे दिन बोली हमें एक मोबाइल ऑयल वाला फोन ला दीजिए, हमें एक मोबाइल ऑयल वाला फोन ला दीजिए। मैंने कहा वो शब्द मोबाइल ऑयल नहीं, मोबाइल है। वो बोली हमारा अंग्रेजी बोलने का अलग ही स्टाइल है। मैंने कहा मैं कर दूंगा फरमाइश पूरी तुम्हारी, लेकिन तुम उसका करोगी क्या मेरे तीन बच्चों की महतारी? वो बोली मेरी बांके बिहारी, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं नींद ना आने की पेटेंट हो गई हूँ, नींद ना आने की पेटेंट हो गई हूँ। सहेलियों को फोन मिलाती रहूंगी, उन्हें नींद से जगाती रहूंगी। मैं आपकी अनुपस्थिति में अपने आप को बोर नहीं होने दूंगी। जब मैं खुद नहीं सो सकती तो पूरी कॉलोनी को कैसे सोने दूंगी, पूरी कॉलोनी को कैसे सोने दूंगी। सातवें दिन बोली सुना है नया मलेरियम आएगा और भारतवर्ष के 70% लोगों को मलेरिया हो जाएगा। मैंने कहा शुभ शुभ बोलो देवी, वो शब्द मलेरियम नहीं मिनेलियम है। बोले तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों के आखिर में यम है। मैंने कहा हर आदमी की जिंदगी में यम आखिर में आता ही है, यम आखिर में आता ही है। आठवें दिन मैंने कहा बैडमिंटन खेलने चलोगी, मेरे साथ बैडमिंटन खेलने चलोगी? वो बोली किसी भी खराब काम में मैं आपका साथ नहीं निभाऊंगी, जब आप गुडमिंटन खेलने चलेंगे तब चली जाऊंगी, गुडमिंटन खेलने चलेंगे तब चली जाऊंगी। नवें दिन मैं उनको मायके पहुंचाने के लिए बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर आया, बम्बई से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में खुद भी बैठा, उन्हें भी बिठाया। अचानक बड़ौदा के आसपास उन्हें जोर की छींक आई, एक पड़ोस की महिला चिल्लाई आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड? हमारी पत्नी ने जवाब दिया नो आई एम सफरिंग फ्रॉम बॉम्बे। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गांधी बाबा राजघाट में सुबह सुबह के रोरिया, गांधी बाबा राजघाट में सुबह सुबह के रोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। गूंज रहे हैं देश में भ्रष्टाचारी मंत्र, छिपा रहा मुंह शर्म से भारत का गणतंत्र। वीर भगत सिंह बोस या त्यागी और हमीद, क्या घोटालों के लिए ये सब हुए शहीद? इन 50 सालों में हमने क्या सोचा, क्या हो रिया? गणपति बप्पा मोरिया, और लिए उस तरह हाथों में बंदर जैसे ऐठे हैं, और जिन्हें पेड़ पे होना चाहिए वो कुर्सी पे बैठे हैं। साल हुए 40 से ऊपर ये ही नाटक हो रिया। रचना का शीर्षक है ज्योतिष का चमत्कार। हमने एक पहुंचे हुए ज्योतिषी पंडित बनवारी लाल ब्रह्मचारी को अपनी जन्म कुंडली दिखाई। 5 मिनट के बाद वो बोला 3 बातें नोट कर लो भाई। प्रथम ये कि जब शुक्र तुला का होकर तुम्हारी कुंडली के सप्तम भाव में आएगा तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। द्वितीय ये कि जब बृहस्पति और पंचम घर का स्वामी अपने उच्च नवांश में जाएगा तो तुमको पुत्र लाभ कराएगा। तृतीय और अंतिम ये कि तुम्हारी कुंडली में चंद्रमंगल योग है, चंद्रमा की दृष्टि जब बृहस्पति से मिलेगी तो तुम्हारी 50,000 की लॉटरी खुलेगी, 50,000 की लॉटरी खुलेगी। जैसा ज्योतिषी ने कहा था ठीक वैसे ही हुआ। ज्योतिष के चमत्कार ने मन को छुआ। हमारी पत्नी बोली विवाह हुआ तो ब्रह्मचारी जी की कृपा से, पुत्र हुआ तो ब्रह्मचारी जी की कृपा से, और अब 50,000 की लॉटरी खुली है। क्या किस्मत मिली है, आप फौरन जाइए और आगे क्या होगा ये पूछ के आइए। हमने ज्योतिषी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उनका नौकर रसिक बिहारी बाहर आया। बोले आज वो किसी से नहीं मिल सकते,
सुबह से ही भांग छान कर अपनी ही कुंडली का फलित निकाल ले हैं, इसलिए हम मिलने वालों को टाल ले हैं। मैंने उसे 10 का नोट थमाया और सीधा ब्रह्मचारी के पास आया। मैंने कहा, प्रभो आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपकी तीनों भविष्यवाणियां सत्य निकली, अब आगे क्या होगा ये बताइए। बोला, 50,000 फोगट के मिले हैं ना, 25,000 इधर लाइए। मैंने कहा, इतनी बड़ी रकम कैसे दे पाऊंगा। बोला, नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, तेरी किस्मत फूट जाएगी और इस महीने की 30 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैंने सोचा, इसने कहा था विवाह होगा, हुआ। इसने कहा था पुत्र होगा, हुआ। अब टांग भी अवश्य टूटेगी। मैं सीधा अस्पताल में आया, डॉक्टर से कहा मेरा एक बेड डिजर्व कर दीजिए। लेकिन आप तो ठीक ठाक है। मैंने कहा, अभी तो ठीक ठाक हूँ, 30 को टूटेगी। भैया पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा, तुम भी 100 का नोट संभालो। डॉक्टर ने कहा बेड डिजर्व करा लो। बेड डिजर्व कराया, अपने घर आया। 15 दिन के बाद ज्योतिषी का फोन आया, हेलो। मैंने कहा हेलो। बोले, मैं ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ, टांग टूटी? मैंने कहा जी नहीं। तो बोले, तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काहे को हैरान कर रहे हो। मैंने फोन रख दिया। ठीक 30 तारीख को फिर फोन आया, हेलो टूटी? मैंने कहा जी नहीं। बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी की भविष्यवाणी अटल है, इस समय क्या कर रहे हो? मैंने कहा पान खाने जा रहा हूँ। बोले, पनवाड़ी की दुकान पर मिलना, मैं स्कूटर लेकर आ रहा हूँ। ज्योतिषी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा, खटारे से वातावरण की किस्मत फूट गई, मैं तो ठीक ठाक रहा, ज्योतिषी की टांग टूट गई। ज्योतिषी की टांग टूट गई, ज्योतिषी की टांग टूट गई। उसी अस्पताल में उसी बेड पर लेटे लेटे उस दिन उसने कहा, उस दिन मैं भांग इतनी अधिक चढ़ा गया कि कुंडली तो अपनी देखी, भविष्य तुम्हारा बता गया। ये जो रचना मैं सुना रहा था आपको, ऐसे ही मैंने किसी कवि सम्मेलन में सुनाई, तो इंटरवल में एक सज्जन आ गए, कहने लगे आप पंक्तियों पर भी रचनाएं लिख लेते हैं, हमारी एक पंक्ति है, क्या करेगी चांदनी? तो देखिए मैंने किस तरह उसे पूरा किया कि चांद औरों पर मरेगा, क्या करेगी चांदनी? चांद औरों पर मरेगा, क्या करेगी चांदनी? और प्यार में पंगा करेगा, क्या करेगी चांदनी? प्यार में पंगा करेगा, क्या करेगी चांदनी? और लाख तुम फसलें उगा लो एकता की देश में, इसको जब नेता चरेगा, क्या करेगी चांदनी? इसको जब नेता चरेगा, क्या करेगी चांदनी? तो हमारे एक कवित्री बोली, क्या करेगा पूर्णिमा का चांद मेरे वास्ते, क्या करेगा पूर्णिमा का चांद मेरे वास्ते? मैंने कहा आगरा भर्ती करेगा, क्या करेगी चांदनी? आगरा भर्ती करेगा, क्या करेगी चांदनी? और एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, तो मैंने दो पंक्तियां उनको भेंट की कि मत मनाओ जन्मदिन, तुमको तो डायबिटीज है, केक खाते ही मरेगा, क्या करेगी चांदनी? केक खाते ही मरेगा, क्या करेगी चांदनी? और पेड़ के नीचे पड़ा है, पेड़ के नीचे पड़ा है एक गंजा छांव में नारियल, नारियल सर पर गिरेगा, क्या करेगी चांदनी? नारियल सर पर गिरेगा, क्या करेगी चांदनी? और एक भविष्यवाणी हमने की थी, वो सच हो गई कि जो के पूरे देश को चारा समझकर चर गए, वक्त जब उनको चरेगा, क्या करेगी चांदनी? जब मैं बंबई आने लगा तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि इश्क मत करना किसी से, बावला हो जाएगा, इश्क मत करना किसी से, बावला हो जाएगा, तू जवानी के दिनों में पिलपिला हो जाएगा, तू जवानी के दिनों में पिलपिला हो जाएगा, है बहुत रिस्की ये विस्की, यार पीना छोड़ दे, रोज पौआ पी लिया तो पी लिया हो जाएगा, रोज पौआ पी लिया तो पी लिया हो जाएगा, और पेंट का कपड़ा न लेना बॉम्बे वीटी से कभी,
धीरे धीरे ये सिकुड़ कर जांगिया हो जाए। तो कहने लगे साहब ये तो आपने दो तीन शेर में निपटा दिया, कोई कंप्लीट गजल सुनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी प्रेमिका के नाम कुछ शेर कहे, कुछ पंक्तियां कही, सुनाता हूं। कि गरीबी ने किया कड़का, नहीं तो चांद पर जाता, और तुम्हारी मांग भरने को सितारे तोड़ कर लाता। तुम्हारी मांग भरने को सितारे तोड़ कर लाता, बहा डाले तुम्हारी याद में आंसू कई गैलन। अगर तुम फोन ना करती यहां सैलाब आ जाता, अगर तुम फोन ना करती यहां सैलाब आ जाता। और शेर सुनिएगा कि तुम्हारे नाम की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, उसे उर्दू जो आती तो मुझे कच्चा चबा जाता, उसे उर्दू जो आती तो मुझे कच्चा चबा जाता। और तुम्हारी बेवफाई से बना हूं टॉप का शायर, तुम्हारे इश्क में फंसता तो सीधा आगरा जाता, तुम्हारे इश्क में फंसता तो सीधा आगरा जाता, तुम्हारे इश्क में फंसता तो सीधा आगरा जाता। और शेर सुनिएगा कि ये गहरे शेर तो दो वक्त की रोटी नहीं देते, ये गहरे शेर तो दो वक्त की रोटी नहीं देते, अगर ना हास्यरस लिखता तो हरदम घास ही खाता, अगर ना हास्यरस लिखता तो हरदम घास ही खाता। कि उसके प्यार का लफड़ा वहां पकड़ा गया, वरना नहीं तो यार ये क्लिंटन हजारों मुंह निकाल आता। मुझे एक फिल्म से एक लाइन मिली, तीसरी कसम देख रहा था वहां अमेरिका में, क्योंकि वो लोग वहां पर इतने बिजी होते हैं कि अपने काम पर चले जाते हैं सुबह सुबह। बोले आप जो है दो काम कर सकते हैं, या तो दीवारों से बातें करिए या फिल्में देखिए, हिंदी फिल्में। तो एक फिल्म लगा दी, उसमें एक लाइन आई, अच्छा है पर कभी कभी। तो मैंने उसको भारत में आके पूरा किया, सुनिएगा। बैरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, बैरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, अंधों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर कभी कभी, अंधों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर कभी कभी। और शेर सुनिएगा। ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, नेताओं से हाथ मिलाना अच्छा है पर कभी कभी, नेताओं से हाथ मिलाना अच्छा है पर कभी कभी। वो मुझे शौक रहा है थोड़ा सा हाथ देखने का, पामिस्ट्री का। तो एक दिन मैंने एक पहलवान का हाथ देखा, तब मेरे साथ क्या हुआ, हाथ देखकर पहलवान का अपना सिर फुड़वा बैठे, पामिस्ट्री में सच बतलाना अच्छा है पर कभी कभी, ज्योतिष में भी सच बतलाना अच्छा है पर कभी कभी। तो जिसके यहाँ ठहरे थे वहाँ अमेरिका में, उसने कहा साहब दो पंक्तियाँ, वो भी कवि थे, तो उन्होंने कहा दो पंक्तियाँ मेरी भी जोड़ लो। कि जितने चांदी के चम्मच थे सबके सब गायब पाए, कवियों को मेहमान बनाना अच्छा है पर कभी कभी, कवियों को मेहमान बनाना अच्छा है पर कभी कभी। और ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है कि बाहर काफी चकाचौंध है, भीतर बहुत अंधेरा है, बाहर काफी चकाचौंध है, भीतर बहुत अंधेरा है, धन की खातिर खुद बिक जाना अच्छा है पर कभी कभी, धन की खातिर खुद बिक जाना अच्छा है पर कभी कभी। तो एक फिर कन्वीनर बोला, तुम रूहानी शेर पढ़ोगे, ये रूहानी मतलब आध्यात्मिक,
तुम रूहानी शेर पढ़ोगे पब्लिक सब भग जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है पर कभी कभी, भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है पर कभी कभी। और अंतिम पंक्तियां, हमने देखा कल पटने में एक नेता ने दूध दिया, गाय भैंस का चारा खाना अच्छा है पर कभी कभी। जब मैं जाने लगा अमेरिका तो मेरे लड़के ने क्या कहा, लड़के ने कहा डैडी आप आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, अब सेल पे भी ना बिकेंगे ऐसे पीस आप हैं, सेल पे भी ना बिकेंगे ऐसे पीस आप हैं, माइकल जैक्सन हिट हो चुका है वहाँ, आप तो कबीर वाली पीढ़ियों के पाप हैं, आप तो कबीर वाली पीढ़ियों के पाप हैं। अमेरिका में तो लोग पॉप वॉप सुनते हैं, उनके मुकाबले में सारे कवि फ्लॉप हैं। मैंने कहा हास्यरस सिंगरों का ताऊ है वे, मैंने कहा हास्यरस सिंगरों का ताऊ है बे, तुम हमारे बाप हो के हम तुम्हारे बाप हैं। अमेरिका से लौटा तो यहाँ सूरत में गुजरात में प्लेग फैला हुआ था और एक आदमी ट्रेन से कूद के आत्महत्या करने की सोच रहा था, तब मैंने ये पंक्तियां लिखी। कूद कर ट्रेन से वो कर रहा था खुदकुशी, तो मैंने कहा मित्र आप जल्दी ना मचाइए, सुना गुजरात प्रांत में है प्लेग फैल रहा, मरना ही जरूरी है तो वहां चले जाइए, मरना ही जरूरी है तो वहां चले जाइए। और भी तरीके तुम्हें मरने के बतलाऊं, फिलहाल भूख या गरीबी आजमाइए। बोला वो के कवि जी मैं आपको ही मार दूंगा, मरने से पहले मुझे छंद ना सुनाई। ये कुछ अशआर मैं सुना रहा हूं। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों, और पीर जानेगा वही तो प्यार की प्लास्टर जिसके बंधा है दोस्तों, प्लास्टर जिसके बंधा है दोस्तों। और शेर सुनेगा कि औरतों ने घास डाली फंस गया आदमी कितना गधा है, आदमी कितना गधा है दोस्तों, और लाख बूढ़ा है मगर मकबूल है माधुरी पर वो फिदा है। एक रचना आपको सुना रहा हूं, इसका शीर्षक है झुमरी तलैया का संयोजक। बिहार के कवि सम्मेलनों का एक संयोजक हमें बुलाने के लिए बंबई आया, बोला होल्ला जय झुमरे तलैया मा कवि सम्मेलन हा ना है ना चलेगा। हमने कहा चलेंगे, बोले कितना पैसा लीजिएगा, हमने कहा 10,000, बोले 10,000 पहले अपनी कविता का नमूना दिखाइए। हमने कहा मुलायजा फरकाइए, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। संयोजक बोला आपकी किस्मत खराब है तो हमारा मुकद्दर क्यों फोड़ रहे हो, आप तो यार शुरू में ही ऊंची ऊंची छोड़ रहे हो, कोई हंसी मजाक की कविता सुनाओ। हमने कहा सुनिए, पिंजरे में एक तोता है, दिन में तो वो हंसता है पर रातों में रोता है, ऐसा क्यों होता है। संयोजक बोला पहले ये बताइए इस महंगाई के जमाने में आपने तोता पाला ही क्यों, इस महंगाई के जमाने में आपने तोता पाला ही क्यों, और पाला ही था तो उसे क्यों रुलाया, रात में उसे खाना क्यों नहीं खिलाया। कविता तो अच्छी है पर आप इसे झुमरी तलैया में मत पढ़िएगा, अगर आपने पढ़ दी
तो मेरा तो काम ही तमाम है, जो संस्था कवि सम्मेलन करवा रही है उसके अध्यक्ष का नाम तोताराम है। उसी अध्यक्ष का नाम तोताराम है। मैंने कहा फिर झुमरी तलैया के श्रोता कैसी रचनाएं पसंद करते हैं, कुछ तो बताइए। बोले दो तीन फड़कती हुई चीज़ें सुनाइए। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले मैं समझाता हूँ, गा के बताता हूँ। चलो छैया 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 छैया, चलो छैया छैया छैया, चलो छैया छैया, इस टाइप का लाइए। मैंने कहा देखिए एक नेता चुनाव हार गया है, वो उसकी पत्नी उससे कह रही है, लोगों के पड़े थे तुम पैया, फिर भी तुम हार गए सैया, मैं अपने मैं के जाती हूँ तुम्हें, चलो छैया 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 छैया, चलो छैया छैया। बोले ठीक है ये रचना चलेगी। एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, मैंने कहा वो कौन सा, तो बोला तुम तो ढेर परदेसी साध ज्ञान निभाओगे। बोले इस पे सुनाइए। हमने चार पंक्तियां जोड़ी बिना नेता का नाम लिए। अपनी हरकतों से तुम गर्नबाज आओगे, तो चुनाव अगला भी फिर से हार जाओगे, रोज चारा खाते हो पर नहीं बताते हो, इस गरीब जनता को दूध कब पिलाओगे, इस गरीब जनता को दूध कब पिलाओगे। बोले ठीक है ये भी चल जाएगी, एक अंतिम और है, काबिले गौर है। मैंने कहा वो भी कह डालो। वो बोला चप चप चरख चले, चप चप चरख चले, चप चप चरख चले। हमने पंक्तियां जोड़ी। हम जवानी के दिनों में मुर्गियां चुराते थे, जो भी खेत दिखता था आलू खोद लाते थे, अब तो पूरे देश में ही घोटाले होते हैं, अच्छे अच्छे लीडरों के मुंह काले होते हैं, भ्रष्टाचार कहाँ ना पले, चप चप चरख चले, चप चप चरख चले। बोले ठीक है हम आपको 10,000 की जगह 11,000 दिलवाएंगे, ये बताइए आप कौन सी ट्रेन से आएंगे। हमने कहा वो तो हम आएंगे, लेकिन चार छः पंक्तियाँ हम अपने मन की भी सुनाएंगे। वो रुआसा होकर बोला सुनाइए, वो रुआसा होकर बोला सुनाइए। आप लोग भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि दुनिया में दुख ही दुख है, रोना है सिर्फ रोना, गम में भी मुस्कुराना सबसे बड़ी कला है, और जीना पड़ा है मुझको इस हाल में भी हुल्लड़, हर दिन है युद्ध का दिन, हर रात करबला है, और मैयत पे मेरी आकर कुछ लोग ये कहेंगे सचमुच मरा है हुल्लड़ या ये भी चुटकुला है। मैयत पे मेरी आकर कुछ लोग ये कहेंगे सचमुच मरा है हुल्लड़ या ये भी चुटकुला है। संयोजक बोला ऐसी 13वीं टाइप रचनाएं सुनाएंगे तो आप झुमरी तलैया अगले 3 जन्म तक नहीं आ पाएंगे। एक रचना आपको सुना रहा हूं, इसका शीर्षक है कानपुर कवि सम्मेलन। एक बार मैं कानपुर गया कवि सम्मेलन में, तो देखा तो स्टेज पर 160 आदमी बैठे थे। मैंने कन्वीनर से कहा ये सब कवि हैं क्या। बोले बिल्कुल कवि हैं। बाहर के कितने, बोला 8। मैंने ये तो बैठे हैं 160। बोले बाकी लोकल स्थानीय। मैंने कहा इतने लोकल, बोले अभी तो एक ही मोहल्ले के आए हैं। मैंने कहा बाकी मोहल्लों के कहाँ हैं, बोले पब्लिक में। तो सुनने वाले भी कवि और सुनाने वाले भी कवि, उस कवि सम्मेलन का क्या हाल हुआ ये मैं आपको सुनाता हूँ। संचालक ने ठहाका लगाया और सबसे पहले देश के प्रसिद्ध आशु कवि रामलाल को बुलाया। आशु कवि वो होता है जो हाथ के हाथ कविता बना दे। तो रामलाल को बुलाया तो रामलाल ने सुनाया इस धरती पर पाप कहाँ है, इस धरती पर पाप कहाँ है। अब दूसरी लाइन नहीं बन रही है उनसे, उसी को दोहरा रहे हैं, इस धरती पर पाप कहाँ है, इस धरती पर पाप कहाँ है। तो एक कॉलेज का विद्यार्थी खड़ा होकर बोला रामलाल का बाप जहाँ है
रामलाल का बाप जहाँ है, संचालक ने इधर उधर देखा, अब किसे बुलाया जाए, किसको शहीद करवाया जाए। कोने में बैठे हुए एक सज्जन से संचालक ने पूछा, आप कवि हैं क्या? वो बोले, नहीं मैं आदमी हूँ। बोले, फिर आपने कुर्ता क्यों पहन रखा है? बाल भी आपने जरूरत से ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, आप अवश्य रचना सुनाने के लिए आए हुए हैं। बोले, मैं तो माइक वाले के साथ आ गया। बोले, किसी को साथ आए वो आना पड़ेगा, कवि सम्मेलन उखड़ रहा है, जमाना पड़ेगा। बोले, ज़बरदस्ती करते हैं, गाता हूँ जैसा भी आता है सुनाता हूँ। अब वो गा रहा है, मेरे घर के सामने एक कुह दौराहा और दौराहे के सामने एक कुह चौराहा और चौराहे के सामने एक गली है, और पहली गली में दूसरी गली, पहली गली में दूसरी गली है, और दूसरी गली में तीसरी गली, और तीसरी गली में चौथी। संयोजक बोला, ये आप क्या सुना रहे हैं? बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं कवि नहीं हूँ, पूरी 175 गलियाँ हैं, सब सुनाऊँ? संयोजक बोला, भगवान के लिए बैठ जाइए। बोले, बैठने के 500 रुपये दे लिए। अंत में अध्यक्ष महोदय का नंबर आया, बुजुर्ग कवि का नंबर आया, तो उन्होंने भूमिका बांधते हुए कहा, ये जो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसके निर्माण में मुझको 20 वर्ष लगे हैं, इसको बनाने में मुझे 20 वर्ष लगे हैं। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, सुनाने में कितना टाइम लेंगे? मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आया, आपकी इतनी हिम्मत कि कवि होते हुए भी आपने नया मकान बनाया, कवि होते हुए भी आपने नया मकान बनाया, हमें बहुत अफसोस है कि आपने महाकवि निराला की कंगाली परंपरा को क्यों नहीं निभाया। अनेकों साहित्यकार भूख और बीमारी से दम तोड़ गए और अपने पीछे एक लावारिस झोपड़ा छोड़ गए, जिसका अदा नहीं हुआ है अब तक किराया। मिस्टर हुल्लड़ मुरादाबादी, भवन निर्माण कार्य हेतु आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इतना पैसा कहाँ से आया? हमें रिपोर्ट मिली है कि अभी एक साल पहले तक आप एक कमरे के किराए के मकान में डंड पेलते थे, उसी कमरे में आपकी पत्नी खाना बनाती थी और बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे। जब आपके यार दोस्त चाय पीने आते थे तो आप पड़ोस के घरों से चीनी और दूध मांग कर लाते थे, आप पड़ोस के घरों से चीनी और दूध मांग कर लाते थे, और आज आपने नई कोठी बना ली है, ज़रूर कहीं ना कहीं डकैती डाली है, या तो आप नकली शराब बेच बेच कर लोगों को अंधा कर रहे हैं, नहीं तो आप बम बनाने का धंधा कर रहे हैं। आपने किसी लॉटरी का इनाम भी नहीं पाया, फिर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने कहा, सर्दी की ठिठुरती रातों में या धुआंधार बरसातों में जब कोई परिंदा भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलता है, हम ऐसे मौसम में भी जनमानस का दर्द गाते हैं, होली दिवाली हो या दशहरा, कोई भी त्यौहार अपने घर पर नहीं मनाते हैं, कोई भी त्यौहार अपने घर पर नहीं मनाते हैं, और तीन तीन बहनें होते हुए भी रक्षाबंधन के दिन सूनी कलाई लिए हुए बाहर के किसी कवि सम्मेलन में चले जाते हैं, बाहर के किसी कवि सम्मेलन में चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कलकत्ता से लेकर भोपाल तक और अमेरिका से लेकर नेपाल तक मैंने लोगों को हंसाया है, ये मकान मैंने ईंट गारे से नहीं अपने खून पसीने और आंसुओं से बनाया है। वो बोला, हम भी तो अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, गर्मी की तपती लू में गंजे सिर मारे मारे फिर रहे हैं, 5000 जल्दी दे दो, अगर इनकम टैक्स से पिन छुड़ाना है, मुझे अभी और 50 नए मकानों की तफ्तीश के लिए जाना है। क्यों नहीं जाइएगा? आखिर आपको भी तो अपना नया मकान बनाना है। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.